सो आओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं बेटा हम अपनी कंसेप्ट्स के साथ। आप लोग जैसे लास्ट टाइम बात कर रहे थे लॉरेंस फोर्स की, बच्चों ने बात की है कि लॉरेंस फोर्स मैम थोड़ा बता रहे थे। आई विल बी डिवोटिंग सम टाइम ऑन द लॉरेंस फोर्स एंड आई विल बी फोकसिंग अपॉन द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। Let us really continue with that. Yes, Vida, anything other? No, sir. बोल दीजिए, बोल दीजिए। बच्चों बोलो, पुत्र क्या कहना चाहते हो? लॉरेंस फोर्स स्टार्ट करें फिर बेटे। कुछ कह रहा था कोई बच्चा, आई कुड नॉट सी बेटा। ओके, मे बी आप गुड मॉर्निंग ही कह रहे होंगे, देन आइए फिर बेटे स्टार्ट करते हैं। बेटे लॉरेंस फोर्स की बात कर रहे थे, जैसे आप लोग की लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटा रादर आई शुड राइट मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटे तो आइए बेटे जरा वन बाय वन पॉइंट्स को समझें, सोचें और देखें कि कैसे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। आप इमेजिन कर लीजिए बेटे, चार्ज ऑन द पार्टिकल, ये जो है लेट इट बी स्मॉल क्यू एंड जो आपका पार्टिकल है लेट इट बी हैविंग द वेलोसिटी से बेटा वी। वेलोसिटी इसकी हमने वी इमेजिन की है एंड लेट अस इमेजिन फर्दर दैट बेटा आपका जो चार्ज पार्टिकल है इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड बी। बड़े ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से, आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, मैं डायग्राम बनाकर कोशिश करता हूँ समझाने की। ये चार्ज पार्टिकल इस तरफ, रिटन पोर्शन विजिबल नहीं है। हाँ जी, रिटन पोर्शन विजिबल नहीं है, थोड़ा ये वाला नहीं विजिबल। यस सर, एक बार आप बोल दो। ये वाला मुझे तो साफ ही दिख रहा है, मैं बोल देता हूँ बेटे, कोई बात नहीं। मैग्नेटिक लॉरेंट्स फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरियिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट बेटे? दिस इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल स्मॉल क्यू बोला है मैंने, और वेलोसिटी पार्टिकल की स्मॉल वी बोला है, और जो आपका पार्टिकल है That is moving at an angle theta with the magnetic field beta B. इसी चीज को जो मैंने लिखा है मैं डायग्राम की फॉर्म में शो करने की कोशिश कर रहा हूं, आइए देखें। ये आपका चार्ज पार्टिकल बेटे V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसके ऊपर चार्ज Q है, इधर को जा रहा है ये। और डियर चिल्ड्रन, आपने इस रीजन ऑफ द स्पेस में इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है बी, और दोनों के बीच में बेटे ये एंगल बन गया जी थीटा, राइट बेटा? इसको मैं अदरवाइज आपको अगर समझाना चाहूं, आई हैव दीज टू पीसेज ऑफ चौक। ये वाला जो चौक का पीस है, आई होप कि ये विजिबल होगा आपको। मान लीजिए आपका पार्टिकल इधर जा रहा है वी वेलोसिटी से, ये वाला चौक का पीस इधर है, ये इमेजिन कर लीजिए मैग्नेटिक फील्ड बी है। फिर से पुत्र ध्यान दो, मैं रिपीट करता हूं, लेट नहीं आना चाहिए बच्चे, क्या करते हैं। ये देखिए बेटा, अगेन मान लो ये वाला मेरा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, पार्टिकल इधर जा रहा है और इस रीजन में जिसमें बात कर रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर लगा हुआ है, दिस वे पार्टिकल किधर जा रहा है, इधर,
मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो वेलोसिटी से लेकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अगर आप एंगल मेजर करो तो दिस इज द एंगल, यहां से स्टार्ट करूंगा मैं दिस वे, थीटा एंगल मैंने बोला है इधर। डियर चिल्ड्रन, ये देखा गया है एक्सपेरिमेंट करके कि अगर ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर एक्ट करेगी, मैग्नेटिक फोर्स जो होगी। अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स को प्लॉट करूं तो दिस विल बी द मैग्नेटिक फोर्स विद इट। मैं अगेन रिपीट करूंगा, लेट मी मैनेज द, यस दो पेन्स मेरे पास हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आइए देखें, ये देखो बेटे दो पेन है मेरे पास, रेड वाला पेन मेरा मान लो वेलोसिटी है पार्टिकल की, इधर जा रहा है, और ये वाला जो पेन है ये रेनॉल्ड्स का पेन जो आप देख रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है बेटे। और आप ये देखो मेरी हाथ की तरफ देखना, रेड वाले पेन से मैं इधर को एंगल मेजर करूं तो ये थीटा बनता है। राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल आपने सुना है ऑलरेडी बेटा, ये वेलोसिटी से मैं अपनी फिंगर्स को, देखिएगा फिंगर्स को, रेड पेन से ब्लू पेन की तरफ फोल्ड कर रहा हूं, थंब मेरा ऊपर पॉइंट कर रहा है। राइट हैंड स्क्रू रूल या बच्चों थंब रूल आप कह सकते हो लूजली स्पीकिंग। तो मैग्नेटिक फोर्स आपका बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब है दोनों के परपेंडिकुलर ऊपर को। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, जितनी भी वेलोसिटी से आपका पार्टिकल इधर मूव कर रहा था, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी है, और डियर स्टूडेंट्स ये डायरेक्टली साइन ऑफ एंगल थीटा पे भी डिपेंड करता है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल थीटा। जो चार चीजें हैं ध्यान दीजिएगा बेटा, फोर्स जो है, फोर्स कौन सी है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी पे, चार्ज पे, फील्ड पे, और साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द टू, इस पे डिपेंडेंट है। इनको सबको इकट्ठा कर लीजिए बेटे, आपके पास आ जाएगा एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। डियर स्टूडेंट्स मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को बेटे हटा देता हूं और मेरे पास कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बच्चों आ जाएगा। मैं उस कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू के एस सच लिख दूंगा एंड देन आई विल बी प्रोसीडिंग अहेड बेटा। सो आइए बेटे इसके बाद आई विल बी हैविंग एफ इज इक्वल टू के क्यू वी बी साइन ऑफ एंगल थीटा। के बेटे यहाँ पे वन होता है, आपने डिस्कस किया होगा कल, मैम ने आपको पढ़ाया होगा। तो आपका एफ बच्चों बन गया जी क्यू वी बी साइन ऑफ एंगल थीटा। इन पैरामीटर्स को आपने बेटा अपने माइंड में फिक्स रखना है। अब आ जाइए मैं आपको स्पेशल केसेस की तरफ थोड़ा सा ले चलू। अगर बच्चों एंगल थीटा 0 डिग्री हो जाए या इवन 180 डिग्री हो जाए, कहने का मतलब है जिधर आपका पार्टिकल जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही लगा हुआ है, तभी एंगल 0 होगा ना बेटा। और बेटे साइन ऑफ एंगल 0 इट विल बी 0, और अगर 180 ले लोगे तो भी वो 0 ही रहेगा। सो डायरेक्ट मीनिंग ये हुआ कि आपके चाहे पार्टिकल के ऊपर फोर्स भी फिर कोई एक्ट नहीं करेगा। अगर मैं चीजों को बेटा सिस्टमेटिक वे में बोलूं, आई विल बी जस्ट सेइंग दैट बेटा केशव 2 आ रहे हैं बेटा, ये ऐसा क्यों है? आई विल बी सेइंग दैट बेटा इफ ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड देन नो मैग्नेटिक फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। दूसरी बात बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर एंगल थीटा आपका 90 डिग्री हो गया, साइन 90 बेटे कितना हो जाएगा? साइन 90 आप लोग जानते हैं दिस इज बेटे इक्वल टू 0, और अगर साइन 90 को आप बेटे 0 पुट कर दोगे तो आपका सॉरी मैक्सिमम होगा 1 होगा, साइन 90 यूनिटी होता है बेटा। सो बिकॉज साइन 90 1 है, एफ विल बी इक्वल टू क्यू वी बी,
आपकी चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगा। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर आप अपने चार्ज पार्टिकल को किसी ऐसे स्पेस में, किसी ऐसे रीजन में मूव करवा रहे हैं, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, तो उस केस में आपका पार्टिकल मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और बेटे एक बात और भी यहाँ पे करने वाली है कि अगर आपका पार्टिकल बेटे मूव ही नहीं करता, वेलोसिटी जीरो है उसकी, तो भी फोर्स जीरो ही रहेगा। इसका क्या मीनिंग है कि अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को स्टेशनरी रखे हुए हैं, आप उसको मूव नहीं करवाते हैं, तो आपके चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा, जीरो एक्ट करेगा। और चौथी बात, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज ही कोई नहीं है, मान लीजिए चार्जलेस पार्टिकल है, तो भी कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। और अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, तो भी कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। तो बेटे ये सारे छोटे 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 फैक्टर्स हैं, आप लोगों को इनका ध्यान रखना चाहिए, तभी हम बेटे इसको प्रॉपरली टैकल कर पाएंगे। अरमान, श्यांक, बहुत बढ़िया बेटा, आप लोगों को देखकर खुशी हो रही है। किसी स्टूडेंट का कोई पॉइंट है तो बताइए, सो दैट आई कैन रिपीट दैट। बेटा एनी वन फ्रॉम योर साइड, डियर चिल्ड्रन? अरमान, अर्शीन, ओके, गुड 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 बेटे, आई होप सारे बच्चों को समझ आ गया है बेटा, बहुत खुशी वाली बात है। आइए आगे चलते हैं। देन इसके बाद बेटे मेरे पास बात आ जाती है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरियिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। आइए बेटे इसके बारे में बात करें कि कोई करंट कैरियिंग कंडक्टर है, आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे हो, कितना उससे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। आइए बेटे वर्कआउट करके देखें। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरियिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटे आपके पास भी एक कंडक्टर है, आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इसमें आपको बेटा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का जरूरत पड़ेगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आओ बच्चों पहले तो ये समझें कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है। मैं अपना लेफ्ट हैंड अगर होल्ड करूं, इसमें फर्स्ट फिंगर को, सेंट्रल फिंगर को और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैंने बेटे रखा है। ये पहली फिंगर है, ये सेंटर वाली है, ये थंब है, तीनों आपस में 90-90 डिग्री के एंगल पे रखे हैं। ये रूल कहता है अगर आपका फर्स्ट फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की, सेंट्रल फिंगर आपका करंट की डायरेक्शन में है, तो आपका जो थंब होगा ये आपको मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वो बता देगा। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं पुत्र, पहली फिंगर, फर्स्ट फिंगर फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर फॉर द करंट, देन द थंब, इट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, प्रोवाइडेड तीनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पे आपने मैनेज किए हुए हो। तो आइए इसी बात को मैं लिख देता हूं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इट स्टेट्स दैट इफ वी होल्ड अवर लेफ्ट हैंड इन सच ए मैनर दैट फर्स्ट फिंगर, एफ एफ का मतलब है फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट फिंगर
सेंट्रल फिंगर एंड द थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉमा देन इफ फर्स्ट फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट द थंब विल पॉइंट द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बीटिंग. तो जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है इस पे आपका थंब पॉइंट कर देगा, आपको ये बता देगा. इसी रूल को अप्लाई करके हम बेटे ये डायरेक्शन निकालेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में. एक बात और आप अपने माइंड में रखिए बेटा, जब जब हम मैग्नेटिक फोर्स की ऊपर बात करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम हमेशा लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद रखिएगा. दो रूल हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी है. राइट हैंड रूल में आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ पे यूज करेंगे. प्रेजेंटली अगर लेफ्ट हैंड की बात करें तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए बेटा यूज करेंगे. सो आइए बेटे आगे चलें. अब अगर हम बात करें कि हमारे पास ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, मैग्नीट्यूड किधर होगा, कितना होगा रादर, उसके लिए हमें थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि यहाँ पे मान लीजिए आपने एक ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है. ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट है और ये आपके उसी मैग्नेट का बच्चों साउथ पोल है. अगर बच्चों ऐसा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली नॉर्थ टू साउथ पॉइंट करेगा. इसको मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी कह देता हूं. स्ट्रेंथ मैंने बी बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को. इट इज इन द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड. अब मैंने यहां पे एक करंट कैरियिंग कंडक्टर प्लेस कर दिया. ये करंट कैरियिंग कंडक्टर आई करंट इस तरफ कैरी कर रहा है. अगर आप ध्यान से देखो तो आपके कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया. ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है, इस कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है एफ दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन बी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है फोर्स भी ज्यादा होगा, अगर वीक है तो फोर्स भी कम होगा. आई कितना करंट फ्लो हो रहा है, अगर करंट थोड़ा है तो मैग्नेटिक फोर्स भी कम होगा, अगर करंट ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा. देन इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल थीटा. आपके कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बना हुआ है इस बात पे भी डिपेंडेंट है. आप इन पैरामीटर्स को कंबाइन कर लीजिए. F इज प्रोपोर्शनल टू बेटा बी आई एल साइन थीटा. इसको बच्चों मैं हटा देता हूँ. F इज इक्वल टू के बी आई एल साइन थीटा. के डियर चिल्ड्रन यूनिटी है यहाँ पे और आपका मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ मैं. इट विल बी बी आई एल साइन थीटा. तो यहाँ पे 90 था तो ये फोर्स बन गया बी आई एल. अदरवाइज अगर ये 90 का एंगल ना हो तो आप थीटा इसको कह सकते हैं कि ये थीटा ही है जी.
राघव कुछ कहना चाहता है, अरमान भी कुछ कहना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ जी अरमान बोलो पुत्र। सर एल का मतलब क्या है? एल एल इसका बेटा लेंथ है कंडक्टर का, ये मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है बेटा। यस सर। राघव भी यहाँ मुझे दिखा था, कहाँ चला गया बेटा राघव? मुझे दिख नहीं रहा बेटा। ओके राघव बोलिए पुत्र, यू आर अनम्यूटेड। सर यही एल का पूछना था। एल एल बेटे मैं लिखना भूल गया था, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर की कितना लॉन्ग कंडक्टर आपने इमेजिन कर रखा है, राइट? सो ये अगर एंगल थीटा 90 डिग्री ना हो तो आप सिंपली इसको लिख दीजिए, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, जितना भी एंगल है हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे थीटा 90 था तो मैंने 90 यूज कर लिया, मैक्सिमम फोर्स एक्ट कर रहा है आपके कंडक्टर पे, तो करने दीजिए इसको। अब अगर हम बेटे आगे बात करें इस रिजल्ट को, थोड़ा सा बच्चों में मॉडिफाई भी कर सकता हूँ बेटे। डियर चिल्ड्रन आपने अभी अभी देखा था, अर्शीन कुछ कहना चाहती है, बोलिए पुत्र। सर मेरे को पूछना था कि ये जो फोर्स होता है सर, ये जीरो और वन के बीच में लाया करता है। कौन सी चीज पुत्र? सर ये जो फोर्स है ये सिर्फ जीरो और वन के बीच में लाया करता है कि इससे आगे भी एक्सीड हो सकती है वैल्यू? नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। आपका साइन थीटा का वैल्यू लाई करेगा जीरो और वन के बीच में, उसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो भी आएगा वो ही आएगा नंबर, राइट बेटे? ओके सर। हाँ जी भूमिका, भूमिका बोलो बेटा, भूमिका बेटा बोलो, आप अपना हैंड रेज कर रहे हो, पुत्र बोलो क्या कहना चाहते हो? भूमिका आपको अनम्यूट भी किया हुआ है बट आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, बोलिए। सर मैंने सेम क्वेश्चन ही पूछ रहा है। बोलिए बोलिए अपना क्वेश्चन बोल दीजिए बेटा। जो आपने कि आपने जो कहा है कि 0 टू 1 से एक्सीड नहीं हो सकता, उसका रीजन फिर से रिपीट कर दो प्लीज एक बार। रिपीट कर देता हूं बेटा। देखो बेटे साइन 0 डिग्री ये आपका 0 होता है, साइन 90 1 होता है, साइन 180 फिर 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि आपका जो साइन थीटा है ये बेटा 0 से लेकर 1 के बीच में वेरिएशन इसकी रहेगी। अब आपका जो फोर्स है ये बी आई एल तो है ही है, साइन थीटा को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर तो ये वन है तो मैक्सिमम आ जाएगा, अगर जीरो है तो जीरो आ जाएगा, अगर कोई बीच में नंबर आ रहा है 0.5, 0.3, 0.4 तो अकॉर्डिंगली वी विल पुट द वैल्यू एंड वी विल सॉल्व इट। आई मे आई होप कि सारे बच्चों को क्लियर हो गया बेटा। भूमिका, अर्शीन, अखिलेश, आदित्य, अरमान, ऑल राइट बेटे। चलिए आगे चलें देन। इसके बाद बेटे देखो मैं ये कह रहा था मैग्नेटिक फोर्स मेरे पास आ गया था बी आई एल, ये मैक्सिमम फोर्स बना था, ये पॉइंट आपके नोट करने वाला है, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। अब आप देखो बेटे आपका जो इलेक्ट्रिक करंट आई है बिल्कुल बिगनिंग ऑफ द टॉपिक या चैप्टर्स में हमने कहा था हमारा करंट जो है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हमने कुछ ऐसी बात की थी। आप आई को यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपके पास एफ इज इक्वल टू, आइए देखिए क्या बनता है, बी क्यू अपॉन टी इंटू एल बनेगा बेटा, चेक करिए बेटा यही है। इसके बाद एक स्टेप और मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा, एफ इज इक्वल टू बी क्यू को मैंने ऐसे ही रहने दिया, इनको एल अपॉन टी कर लिया, राइट? एफ बन गया मेरे पास बी क्यू बी, यहां मैंने बड़े वाला कैपिटल वाला क्यू लिख दिया है, अगर आप छोटा लिख लो तो वही बन जाएगा जो अभी कर रहे थे, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। अगर मैं यहाँ थीटा भी साथ में ले लूं, आइए बेटे देखें क्या बनेगा,
एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा था, मैंने मैक्सिमम वैल्यू नहीं ली, जो असली वैल्यू है वही चूज कर ली है, हमें नहीं पता थीटा कितना है। एफ आपके पास आ जाएगा बी आई को लिखा क्यू अपॉन टी एल साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू बी, क्यू को छोटा लिख देता हूं मैं, एल अपॉन टी साइन थीटा बेटे डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, स्पीड या वेलोसिटी लिख सकते हो ना आप, तो लिखिए फिर इसको वी लिख दीजिए और आइए चेक करें फिर क्या बनता है। एफ इज इक्वल टू क्यू, ये बन गया जी वी, ये बी और ये साइन थीटा, तो आपका वो ही आ जाएगा फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो एक्ट कर रहा था, हमने वंस अगेन उसको बेटे वर्कआउट कर लिया। सो दिस इज द टेक्निक इन विच बेटा वी कैन कंसेंट्रेट अपॉन द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर कैरियिंग करंट आई। इसके बाद हम बेटे चार्ज पार्टिकल्स जो इस कंडक्टर में मूव कर रहे हैं उन पे कितना फोर्स लगेगा वो भी निकाल सकते हैं। और डियर चिल्ड्रन सबसे जरूरी बात करने वाली यहाँ पे क्या है, आइए आपको मैं थोड़ा सा और गाइड करूँ और आगे ले चलूँ इस एक्सप्रेशन के साथ। आपका जो मैग्नेटिक फोर्स था एफ जो था, अभी अभी हम बात कर रहे थे, एफ इज इक्वल टू योर बी आई एल साइन थीटा, बी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फोर्स ज्यादा होगा कंडक्टर पे, अगर आपका करंट बहुत ज्यादा है फोर्स ज्यादा होगा, अगर आपके कंडक्टर का लेंथ ज्यादा है फोर्स ज्यादा होगा। वो आप लोगों ने CBSE की न्यू गाइडलाइंस पढ़ी या सुनी होगी, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपका 90 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड आपका जो है पूछा जा सकता है पेपर। आई थिंक उन्होंने आपको नवंबर दिसंबर का टाइम दिया है, आपने पढ़ा होगा ध्यान से, वहाँ पे ऐसे बेसिस के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि अगर आप अपने करंट को डबल कर दो, आई को टू आई कर दो, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स, डबल हो जाएगी। अगर अपने फील्ड को डबल कर दोगे डबल हो जाएगी फोर्स, अगर आप कंडक्टर की लेंथ बदल दोगे डबल कर दोगे फिर फोर्स डबल हो जाएगी। ऐसे ही थीटा को भी वेरी करके आप अपना बता सकते हो कि इस तरीके से आपका ये सारे का सारा फोर्स वगैरह एक्ट कर रहा है। सो मैं सिर्फ ये कहना चाहता था फोर्स डायरेक्टली बी पे भी डिपेंडेंट है, आई पे भी डायरेक्टली डिपेंडेंट है, एल पे भी, और अगर ये बात मैंने आपको बिगनिंग में कह दी थी, इनको वो एक एक फैक्टर्स को बेस बनाकर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, यू आर टू बी वेरी अलर्ट। डियर चिल्ड्रन अगर समझ आ गया हो तो मैं आगे चलूं पुत्र। यस बेटे ऑल, ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बेटा इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस मैं छोटा सा न्यूमेरिकल करना चाहूंगा, फिर आगे चलेंगे हम। स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं, आप लोग साथ साथ नोट कर लीजिएगा और सॉल्व भी कर लीजिएगा साथ साथ, आपको इन द एंड बेनिफिट होगा इस चीज का। आइए फोकस करें, न्यूमेरिकल है बेटा, अपनी तरफ से मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट। एक कंडक्टर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक कंडक्टर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग कैरियिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस 0.8 न्यूटन फोर्स। कैलकुलेट बी,
बी को कैलकुलेट करिएगा, ये क्वेश्चन है। सो अभी अभी हम बेटे बात कर रहे थे, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आइए मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा, कोई बात होगी तो मुझे बताइएगा। एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, आपको देखो बच्चों बी चाहिए, एक बात मेरी याद रखिएगा हमेशा, जो चीज आपको चाहिए उसको लेफ्ट साइड पर एडजस्ट करके बाकी सारी चीजें राइट साइड पे पहले शिफ्ट कर दिया करो, वैल्यूज बाद में पुट किया करो। बी आपके पास आएगा एफ अपॉन आई एल साइन थीटा, बी विल बी इक्वल टू फोर्स आपका 0.8 न्यूटन था, ये दे रखा है आपको, कहाँ है, यस ये फोर्स है, फोर्स 0.8 न्यूटन का, करंट 5 एम्पियर का, लेंथ 12 सेंटीमीटर का, 12 सेंटीमीटर के मीटर बनाने नहीं भूलने, ये मीटर बन जाएंगे, राइट, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना कभी नहीं भूलना। आई आपका 5 एम्पियर था, एल आपका 12 × 10⁻², थीटा देखो परपेंडिकुलर लिखा हुआ है यहाँ पे, थीटा आपका 90 हो गया, साइन 90 वन होता है, मैं लिखता नहीं उसको। सो बी बच्चों बन गया 0.8, इसको एडजस्ट करूंगा मैं अगर, इट विल बी 10⁻²² हो जाएगा ऊपर जाकर, दिस इज 5 × 12, ये बन गया 80 अपॉन 5 × 12, सिक्सटीन आ गया। सो बी आपके पास बन गया बेटा 16/12 या 100 many Tesla, चेक करके बताना सारे बच्चों को पता चल गया या नहीं। डियर चिल्ड्रन, अदिति, अंशिका, अंकिता, अरमान, मैं सारे स्टूडेंट्स का बेटे नाम तो नहीं ले पा रहा हूँ, लॉन्ग लिस्ट है, डियर चिल्ड्रन जिनका नाम नहीं भी लिया जा रहा उनको भी मैं साथ ही कह रहा हूँ कि अगर, हाँ जी अदिति, एक मिनट बेटे कहाँ चला गया बच्चा, अभी किसी ने हैंड रेज किया था बेटे, मैं देख नहीं पाया पुत्र, एक बार प्लीज दोबारा हैंड रेज करिए सो दैट आई कैन अनम्यूट यू। अभी अभी किसी बच्चे ने हैंड रेज किया था, मैं देख नहीं पाया बेटा। मे आई होप कि सबको क्लियर है बेटा, ओके बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैं फिर आपका पॉइंट देख लेता हूँ आप क्या कहते हो। राघव अरोड़ा बोलो पुत्र, राघव एक मिनट बेटे, सर ये क्वेश्चन एक बार दोबारा करा दो, नेटवर्क खराब बेटे। क्वेश्चन में क्या है कि आपको 12 सेंटीमीटर लॉन्ग कंडक्टर दिया गया है, ये 5 एम्पीयर का करंट कैरी कर रहा है और ये किसी ऐसे रीजन में पड़ा है जिस रीजन में इस कंडक्टर के परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, इस कंडक्टर पर 0.8 न्यूटन का मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, आपको उन्होंने कहा कि कितना फील्ड होगा वो निकाल दीजिए, तो ये आपका क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट उस वाला केस बन जाता है, आप सिंपली वैल्यूज पुट कर दोगे बेटा आपको भी मिल जाएगा। राघव ओके, सो डियर चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर द डे, आपको आई थिंक टेस्ट होगा एक आपका मैग्नेटिक फोर्स तक आएगा आपको जो मैग्नेटिक वाला कंसेप्ट का सोलिनॉइड वाला, सो आप अकॉर्डिंगली बेटे मैनेज कर लेना। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे अहेड।